बादल सागर छे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो हम आपकी साइंस का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हैबिटेट्स एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स के बारे में, तो आइए हम इसको प्रोसीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स को। तो आज हमने पढ़ना है हर्बीवोर्स के बारे में। हर्बीवोर्स में कौन, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर्बीवोर्स होता क्या है। हर्बीवोर्स होता है वो जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे लाइक काउ, गोट एंड जिराफ ईट प्लांट्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसाइजर्स टू कट प्लांट्स। कहता है कि हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनके जो फ्रंट होता है आगे वाले, ठीक है, शार्प होता है नोकीले नोकीले और टीथ होता है दांत, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स। उनमें उन एनिमल्स में क्या होता है, इंसाइजर्स होते हैं प्लांट्स को काटने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ, और जो खुले पीछे जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको हम मोलर्स कहते हैं। टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, उनका काम क्या होता है कि फूड को क्या करना, ग्राइंड करना और क्या करना, च्यू करना, पीसना और चबाना, ठीक है। उसके बाद रोडेंट्स लाइक स्क्वायरल रैबिट एंड मॉस ईट सीड्स एंड फूड्स। कहता कि जो स्क्वायरल होता है, उसके बाद रैबिट और मॉस जो होता है वो क्या खाते हैं, वो क्या सीड्स और फ्रूट्स खाते हैं। दे हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ विच हैव देम गना एट फूड। कहता कि उनके जो आगे वाले मतलब जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, उनको हेल्प करते हैं किसमें, चबाने में, ईटिंग में, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स सबसे पहले पता होना चाहिए ओमनिवोर्स होता है क्या है। ओमनिवोर्स होता है वो जानवर में जो वो जानवर आते हैं जो बोथ घास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। जैसे लाइक ह्यूमंस बियर एंड क्रो ईट प्लांट्स एज वेल एज मीट। कहता इंसान, भालू और जो कौवा है वो प्लांट भी खाता है और मीट भी खाते हैं, ठीक है। कहता है इनमें क्या होता है, दे हैव इंसाइजर्स एंड मोलर्स टू हेल्प देम ईट बोथ काइंड्स ऑफ फूड। कहता है इनमें क्या होता है, इन जानवरों में इंसाइजर्स भी होते हैं, उसके बाद मोलर्स भी होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं क्या कर मतलब प्लांट्स खाने में भी हेल्प करते हैं और फ्लैश खाने में भी हेल्प करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का यही टॉपिक है। तो कल हम इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि एम्फीबियंस होता क्या है, ठीक है। थैंक यू।